कोविड-19 के दौरान बतौर हेल्थ वर्कर अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को अक्टूबर महीने में पंजाब सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसमें सैकड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए थे। सभी हेल्थ वर्करों ने कोरोना के सेकेंड फेज को देखते हुए अपनी बहाली की मांग की है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर हरविंदर सिंह ने कहा कि अगर सरकार द्वारा आइसोलेशन सेंटर बनाए जाते हैं और सरकार हिदायतें देती है तो जरूर इन नौजवानों को काम पर रखा जाएगा। लैब त्रिश्मा लैब टैक्नीशियन हाँ सुजानपुर तो असी कोरोना काल के जो असी सारे मेरे भैन भरावों ने असी कोरोना काल के सरकार का साथ दिता है। हूँ इस टाइम तो इन्होंने 5 अक्टूबर को आके फिर कोरोना सेंटर बंद कर दिते, कहेंगे कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होया, कोरोना तो फिर आ गया है और साड़ी इन्हें अगर कोई नहीं है। साड़ी यही है कि सानू कितना कितने प्रोसेस्ट किया जाए और साडे भैन भरावों बेरोजगार चाहे सानू ये आउटसोर्स के ही रख लैन है से असं इस टाइम तो बेरोजगार ही है ना। कोरोना तो फिर हजे हाई लैवल तो हैगा ही है, रोज़ के किन्ने केसिस आ रहे हैं। उन्होंने वालों तो कोई हजे कोई पॉजिटिव जोड़ा वो नहीं आया, उन्होंने इदा ही करता है। अगे वेखो की करते, उन्होंने कहा अगे गल करा, पर साड़ी यो ही है कि कैप्टन सर कहते हैं कि 1 लाख नौकरी दी कि दी है, सानू तो दे के खो दते रोज़गार। इस करके अं उन्होंने यो ही है कि सानू कितना कितने एडजस्ट किया जाए। बस बलविंदर सिंह है तो मेरा नाम, मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पर चिंतपुर्णी मैडिकल आइसोलेशन सेंटर से जॉब कर रहे थे पिछले 6 महीने तो। 5 अक्तूबर में उन्होंने एकदम रात को 8 बजे नोटिस दे के घर भेज दिता। तो हूँ इस टाइम ना को नौकरियां है, प्राइवेट सैक्टर से नौकरी छड़ के आए थे इतने ना, हूँ इस टाइम उन्होंने कोई रख रहा ना उन्होंने नौकरी मिल रही है। इस करके सानू रोज़गार दिता जाए। एक पास सरकार कह रही है आप नौकरियां दे रहे, किनू दे रहे सानू नहीं पता, साढ़े को तो दे के भी खोलियां गई। हाँ साड़ी यही मांग है कि सानू फिर तो साड़ी रीज्वाइनिंग कराई जाए सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी तनखावह सानू सारे देती है, यही कि सानू सरकार वालों कोई फाइनैंशियल फंड नहीं दिता जा रहा, तो इस करके तुहानू नौकरी दी जा रही। साड़ी यही मांग है कि सानू दोबारा तो रीज्वाइनिंग कराई जाए सिविल हॉस्पिटल च, सारे जिहड़े साडे वार्टेंडर लैब टैक्नीशियन स्टाफ नर्स तो जिन्ने भी साडे बल्कि स्टाफ है कि सारे दोबारा रीज्वाइनिंग कराई जाए। ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੈਲੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿਓਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स, सीलिंग फर्नीचर एंड डोर पैनल एन एलिगेंट लुक, एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली, वुड फ्लोरिंग, आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट,
रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।